हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सिंपल सेंटेंस के पार्ट थ्री। ओके, इसमें बहुत कम बाकी है, वो भी देखेंगे और एक पूरा रिवीजन भी देख लेंगे जिससे सब कुछ आपको याद आ जाए, क्योंकि रिवीजन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी तक जो हमने टॉपिक्स देखे है उसमें जो बाकी टॉपिक है वो देखते हैं। बाकी टॉपिक में एक डिस्पाइट बाकी है और इन ऑल विथ अ व्यू टू बाकी है कि उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने इंस्पाइट ऑफ पढ़ाया तभी बताया था कि डिस्पाइट ऑफ उसकी सिमिलर सेंटेंस फॉर्मेशन है तो उससे भी आप बना सकते हो, मगर डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता है। ओके, आई दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई वर्कड हार्ड, मैंने हार्ड वर्क किया, बट आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, मैंने हार्ड वर्क किया मगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ओके, यहाँ पर वर्ब दिया गया है, ये बट है तो वो एक कंपाउंड, इसे हटाना होगा। ओके, आई है उसको भी हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पर लिखना पड़ेगा माई, तो आंसर ऐसे होगा कि डिस्पाइट माई वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट माई वर्किंग हार्ड कॉमा, ओके बट को हटा के दूसरा सेंटेंस है वैसे ही लिख देंगे, आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, तो डिस्पाइट से भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं लास्ट टॉपिक सिंपल सेंटेंस का, और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू में याद रखना है ये इन ऑर्डर टू का सिमिलर है। इन ऑर्डर टू में हम यूज करते थे वी वन, विथ अ व्यू टू है उसमें आपको यूज करना है आई एन जी फॉर्म, और ए है वो भी पर्पस इंडिकेट करता है कि पर्पस से आप किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है। ओके, एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट, मैं फास्ट दौड़ा, ओके बिकॉज आई वॉन्टेड टू विन द रेस, I wanted to win the race. मैं रेस जीतना चाहता था। तो जैसे मैंने बताया कि because वाला सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपल, और कुछ चेंज करना पड़ेगा विथ अ व्यू टू, और विथ अ व्यू टू के बाद ये भी हट जाएगा, उसके बाद आएगा आई एन जी फॉर्म। तो किस तरीके से होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आई रैन फास्ट विथ अ व्यू टू, और यहां पर जो विन है उसका हो जाएगा आई एन जी, आई रैन फास्ट विथ अ व्यू टू विनिंग द रेस। तो ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस विथ अ व्यू टू। ओके, तो कितने सेंटेंस हमने सिंपल सेंटेंस में देखे, कितने टॉपिक्स आते हैं वो सब अभी हम देख रहे हैं। टोटल हमने 12 टॉपिक्स पढ़े सिंपल में, तो एक पूरे टॉपिक्स का एक रिव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे उसके अंदर, तो सारा आपको पता चल जाएगा। बस टॉपिक्स याद रखो, सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखो, और टॉपिक्स के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताई थी ए फॉर्मूला, ओके ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं वो हमने देखे फॉर्मूला, उसकी सबसे पहली फॉर्मूला थी वो मैंने बताई आपको आई थ्री कि आई क्यू से आई क्यूब, आई क्यूब क्या है इन्फिनिटिव इन ऑर्डर टू, ओके इन्फिनिटिव इन ऑर्डर टू और इन स्पाइट ऑफ,
तीनों की सेंटेंस फॉर्मेशन देखी, बाद में ड्यू टू की सेंटेंस फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ की सेंटेंस फॉर्मेशन, टू पार्टिसिपल में तीन पार्टिसिपल देखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, बाद में हमने देखा इनफ, बाद में देखा डिस्पाइट, विथ अ व्यू टू। दूसरी बात मैं स्टूडेंट सबको बताना चाहूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर सॉल्यूशन दो। ऑफ कोर्स हम सॉल्यूशन तो दे रहे हैं आपको, सॉल्यूशन भी सीखो, मगर सॉल्यूशन में जो आंसर बताए जाते हैं आपको वो रटना नहीं है, सीखना है। कभी भी किसी सॉल्यूशन से कॉपी टू कॉपी पेपर नहीं आता है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आपको समझने हैं आंसर। ऑफ कोर्स जो आपकी स्कूल की प्रीलिम्स होगी उसमें पेपर आते हैं, उसमें से कई स्कूल वाले सेम टू सेम कॉपी करके ही रख देते हैं या बोल देते हैं कि इसमें से इतने पेपर लर्न करने हैं, इसमें से हम पूछेंगे, तो वो आपको हेल्प मिलेंगे। मगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है लर्न करने पर कि कौन सा ग्रामर का आंसर, मैथ्स का आंसर, साइंस का, एसएस का ये आंसर क्यों है, वो सारे जो उसके कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से लर्न करने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, इसके साथ सिंपल सेंटेंस खत्म होता है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वीडियोस आने वाले वक्त में हम पब्लिश करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए, उसके रिलेटेड टॉपिक्स के लिंक आपको मिल जाएगी, या वो टॉपिक्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल तो हम यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ा के आपको सॉल्व कराएंगे वो टॉपिक्स। मगर एक बात ध्यान रखिए कि आपके बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। अगर आपकी 60% कैपेसिटी है तो 80 तक जाइए, 80 की कैपेसिटी है तो 90 अप, A1 ग्रेड आना चाहिए। ओके, स्कूल के पहली एग्जाम, प्री प्रीलिम, प्रीलिम्स, ये सारे स्टेप्स है जिसमें आप खुद को प्रूव करो कि वी कैन गेट दिस मार्क्स। तो डेफिनेटली आप प्रूव करते हो तो बोर्ड में डेफिनेटली अच्छा पेपर जाएगा। अभी बहुत कम टाइम बचा है, दिसंबर या उत्तरायण 15 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा एग्जाम का, बोर्ड का एग्जाम का, तो उस वहाँ तक आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, उसके बाद पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।